पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल गिरफ्तार। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता छगन भुजबल पर लगा है 870 करोड़ के घोटाले का आरोप और इसी आरोप में ईडी ने भुजबल की गिरफ्तारी भी की है और कल दोपहर 12 बजे उनकी कोर्ट में पेशी थी। इसी दौरान भुजबल समर्थक ईडी के दफ्तर के पास उनका समर्थन करते हुए दिखे। कई समर्थक टिफिन, चटाई, गद्दे, कंबल, चद्दर लेते जाते हुए दिखे और वहीं नासिक में भुजबल के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध सड़क पर टायर जलाते हुए किया। अपने समर्थक के हुजूम के साथ भुजबल कल ईडी के दफ्तर पहुंचे। भुजबल कल सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और कल रात करीब 10 बजे 870 करोड़ रुपए के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए छगन भुजबल ने 9 प्रोजेक्ट्स के ठेके देने के बदले करोड़ों की कमाई की। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने और बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट के आदेश पर एसीबी ने जांच की और भुजबल के खिलाफ सबूत होने का दावा भी किया। आरोप है कि ठेके देने के बदले मिली करोड़ों की रकम भुजबल और उनके परिजनों ने विदेश भी भेजी थी। 870 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को पिछले महीने ही गिरफ्तारी हो चुकी है और भुजबल के बेटे पंकज भुजबल से भी पूछताछ जारी है। बीजेपी के एमएलए ने तोड़ी घोड़े की टांग। बीजेपी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ देहरादून पुलिस ने केस दर्ज की। यह केस जानवर के प्रति क्रूरता के तहत दर्ज कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक ने घोड़े को मार मारकर उसके टांगे तोड़ दी। यह घटना तब हुआ जब बीजेपी के नेता राज्य के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धरना देने गए थे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेरा करने जा रहे थे पर जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये नेता और कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ भी भिड़ गए। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लाठी डंडों का इस्तेमाल करने लगे तभी बीजेपी विधायक गणेश जोशी एक घोड़े पर डंडे बरसाने लगे। इन्होंने घोड़े को इतना मारा कि उसके टांग ही तोड़ दी। ये घोड़े का नाम शक्ति बताया जा रहा है। चोट इतनी जबरदस्त थी कि घोड़ा लाख कोशिशों के बाद भी उठ न पाया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घटना की निंदा की और बीजेपी नेताओं का खंडन किया। भीड़ के कम होने पर शक्ति को पुलिस लाइन ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। इस झड़प में देहरादून के एसपी के साथ कुल 33 पुलिस वाले घायल हो गए। इनमें 6 महिला एसपी भी शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बचाव कर रहे हैं लेकिन उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के करतूतों की तस्वीर कैमरा में कैद है और बीजेपी नेताओं ने कैसे घोड़े पर डंडे बरसाए। ओबीसी का फिर से विवादित बयान। नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, ये कहते नजर आए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। आरएसएस लीडर मोहन भागवत पर साधा निशाना अपने बयान के जरिए। 1925 के बाद 2016 में प्याला नहीं अब पैंट फिर हमारे रिपोर्ट ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत। सोच को बदलो, ये सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई शेरवानी पहन लिया तो कौम परस्त नहीं हो जाता, कोई शर्ट पैंट पहन लिया तो नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, कोई धोती पहन लिया तो उसमें कोई मायूस बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होंगी। ये हमारे वतन अजीज की उसूलियत अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भगवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर अजीब भरी बात क्या है कि बाबा जो है कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माना नहीं देते बोले बाबा। प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए कल क्या हुआ, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बाबा खड़े खड़े होके बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। मैं टीवी पे देख के बोला कि यार भाई ये पाकिस्तान टीवी है, इंडिया में हो रहा
कोटला मुबारकपुर में हुई महिला और बच्चों की मारपीट। एक मामूली बात पे हुई मारपीट, महिला और बच्चों कर रहे थे एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला। लाठी डंडे झाड़ू लेकर एक बहन मारपीट में महिलाओं को सहयोग, सीसीटीवी कैमरा में पूरी घटना हुई कैद। अक्सा बीच में फंसे प्रेमी युगल को लाइफगार्ड ने बचाया। मुंबई के अक्सा बीच में हाईटाइड की वजह से प्रेमी युगल समुन्द्र में फंस गए, जिसके वजह से लहरों से बाहर निकलने को मौका नहीं मिला। यह घटना मौजूद लाइफगार्ड को नजर आने पर समय पर जाकर दोनों प्रेमी युगल को समुन्द्र से बाहर निकाला। शेख अनिला, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।